जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी एक ड्रीम जॉब है। तो आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। 12,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होने वाली है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी कि कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कब से इस क्राइटेरिया काउंट होगा, कितनी एज लिमिट चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी या एनएसआई की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आपको हर एक नोटिस वगैरह भी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक चीज में वीडियो को लास्ट तक आपको क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, तो यहां पे आरपीएफ की हर एक चीज में आप सभी को यहां पे क्लियर करने वाला हूं। 2024 की ये वैकेंसी है 2024 के लिए। अगर यहां पे एक ओवरव्यू भी दिया गया है, और अगर हम रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसीज की यहां पे बात करें, तो यहां पे पोस्ट एंड वैकेंसीज की बात करें, तो जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल रहेंगी वो 12,000 प्लस आपकी वैकेंसी है, जिसमें मेल एंड फीमेल की आपकी वैकेंसी शामिल है। अगर हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, तो यहां पे कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी रहेंगी लगभग 9,000 और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है लगभग 3,000। इसके लिए अगर यहाँ पे बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या 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 कंडीशन इसके लिए चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, तो देखें आप सभी को यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट, कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगी। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कांस्टेबल और एसआई के लिए दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है, इसलिए आपको यह समझ लेना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल के लिए, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया होता है 18 से 25 साल, यानी न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के लिए, तो इसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 20 से 25 साल, यानी न्यूनतम 20 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो यहां पे एज क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया। साथ ही में अगर हम बात करें, अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि उम्र की गणना कब से होगी, तो 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। जिस वर्ष आपकी विज्ञप्ति आती है, उसके 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना आरपीएफ में होती है, चाहे कॉन्स्टेबल की बात करें या फिर एसआई की बात करें। अब यहाँ पे फिर बात आती है फिजिकल की, के पीएसटी एंड पीईटी क्या होता है, जिससे कि हमें ये क्लियर हो पाए कि पीएसटी एंड पीईटी क्या होता है। अभी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी आपको वन बाय वन करके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप सभी को इसका एजुकेशन क्राइटेरिया वगैरह भी क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेबल का पीएसटी एंड पीईटी, कि कांस्टेबल के लिए जो आपका हाइट टेस्ट वगैरह चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है, तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। वहीं पे मेल कैंडिडेट का जो सीना नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपकी मेल कैटेगरी में लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो सीना होना चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर से लेके 81.2 सेंटीमीटर तक सीना आपका होना चाहिए। अगर आप गढ़वाली गोरखा मराठा डोगरा कुमायूं हैं, तो आपकी लंबाई मेल कैटेगरी में 163 और फीमेल कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और सीना आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें कांस्टेबल के पीईटी की, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, तो देखिए मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करनी होती है। वहीं पर अगर हम फीमेल की रनिंग की बात करें, तो फीमेल के लिए रनिंग होती है 800 मीटर, जैसे 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। फिजिकल बहुत ही बढ़िया लेवल का यहाँ पे होता है, तो फिजिकल की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन फिजिकल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फेल होते हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो देखिए मेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप होती है 14 फीट और फीमेल कैंडिडेट की होती है 9 फीट।
हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 4 फिट मेल कैंडिडेट और 3 फिट होती है फीमेल कैंडिडेट की। इसके अलावा अगर हम सब इंस्पेक्टर के पीएसटी एंड पीईटी की बात करें तो देखिए जो आपका पीएसटी होता है यानी कि लंबाई और चेस्ट वगैरह जो होता है वो सेम यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, यानी कि जो आपका कांस्टेबल का होता है वही आपका सब इंस्पेक्टर का होता है लंबाई और सीना। लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे जहां पे आपको 1600 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड में कांस्टेबल के लिए करनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो रनिंग होती है 6 मिनट 30 सेकंड में मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग के लिए 4 मिनट का समय दिया जाता है, वहीं पे अगर हम लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट की बात करें तो 12 फिट फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फिट लॉन्ग जंप आपकी होती है। हाई जंप की बात करें तो 3 फिट 9 इंच आपकी हाई जंप होती है मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फिट आपकी हाई जंप होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्वालिफिकेशन की कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th स्टैंडर्ड अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जब बात आती है सब इंस्पेक्टर की तो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है जैसे बीए बीकॉम बीएससी बीटेक कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिकल और एज क्राइटेरिया, बाकी की लगभग आपको सारी चीजें यहाँ पे सेम देखने के लिए मिलती हैं। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है तो लेवल का, कि अगर आपकी कांस्टेबल की जो एग्जाम होता है वो 10th स्टैंडर्ड का होता है, वहीं पे अगर आपका एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होता है और क्वेश्चन यहाँ पे आपके 50 रहते हैं, 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अर्थमेटिक की बात करें 35 मार्क्स का होता है, 35 क्वेश्चन आपके होते हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 मार्क्स आपको मिलते हैं 35 क्वेश्चन के लिए, यानी कि टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 120 और 120 आपको मार्क्स दिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, एक नंबर आपको दिया जाता है। 90 मिनट का आपका पेपर होता है, यानी 1.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत बढ़िया होती है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप 3 गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक यहाँ पे डिडेक्ट कर लिया जाता है। तो सिलेबस यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट फेज जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन ही होता है। अब बात यहाँ पे तैयारी की आती है, जब हमें क्लियर है वैकेंसी का तो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाती है जो की बाई खानसर है, आप सभी को बता दें ये रेलवे के लिए 27,000+ फैक्ट यहाँ पे एड किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सार संग्रह आप सभी को मिल जाता है जिसमें ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे और सामान्य ज्ञान की ये बुक आती है जिसमें 1992 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। किरण पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाती है जिससे जनरल अवेयरनेस की आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें जिसके 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ये भी किरण पब्लिकेशन की आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ पे सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आप सभी को मिल जाएंगे जिसमें आपको 8,700+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 1996 से लेके अब तक। तो आप इसे आरपीएफ के लिए ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी के लिए एएलपी के लिए यूज कर सकते हैं, यानी रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए तीनों बुक आपकी काम कर जाएंगी, क्योंकि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे तो बाकी की वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए भी आपका काम इनसे हो जाएगा। साथ ही में अगर मैथमेटिक्स की बात करें जिसके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके भी सॉल्व पेपर आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज मिल जाते हैं जिसमें डिटेल सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, 10,000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 1996 से लेके अब तक। तो आपकी तैयारी के लिए पूरा बंडल आप सभी को मिल जाता है जिसमें आपका सामान्य अध्ययन की बात करें या फिर आपकी रीजनिंग या मैथमेटिक्स की। तीनों बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि इस बार आपका जो वर्दी का सपना है वो यहाँ पे पूरा हो पाए। तो पूरी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। तो सिलेबस के बाद जो चीजें निकल के आती है फिर वो निकल के आती है आप सभी की यहाँ पे सैलरी वगैरह कितनी होती है। तो देखिए कांस्टेबल की जो पे स्केल होती है वो 21,700 से यहाँ पे आपकी बेसिक पे होती है, 7 CPC आपको मिलती है, साथ ही में लेवल जो आपका होता है लेवल 3 की आपको सैलरी मिलती है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी 35,400 7 CPC के साथ मिलती है, लेवल 6 की आपकी सैलरी होती है। अगर यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन,
फिर पीईटी पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, चार फेसेस में आपकी जो भर्ती होती है वो कंप्लीट होती है। बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते होंगे कि ये नोटिस आपको कहां से प्राप्त होगा, कैसे आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल मिलेंगी, तो वो भी अभी मैं आपको वीडियो के अंत में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन जो फीस रहती है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए निल रहती है, फोर अदर कैंडिडेट के लिए ₹100 यहां पे फीस होती है। बट एक्चुअल में अगर एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे ₹250 आपको पहले फीस पे करनी होती है जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो इसके बाद ₹250 जो आपकी फीस होती है वो यहां पे पूरी तरह से रिफंड हो जाती है इन वाली कैटेगरी के लिए। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से तो यहां पे क्या है कि आपको ₹500 एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है, और जब आपका एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद ₹400 आपकी एप्लीकेशन फीस रिफंड हो जाती है और ₹100 आपके रह जाते हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन फीस तो एक्चुअल में इतनी जाती है, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आपको इतनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है, बाद में रिफंड वाली लिंक आती है तो आपको आपकी फीस वापस कर दी जाती है। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा, कब से अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो जनवरी 2024 में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जैसे इसका नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज होने के तुरंत बाद इसकी जो एग्जामिनेशन डेट होंगी वो अनाउंस कर दी जाएंगी। इसका रीजन आप सभी को बताएं, लोकसभा इलेक्शन से पहले रेलवे की सभी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा और लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद इन सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर जनवरी लास्ट तक आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मौका है आप सभी के पास तैयारी करने का, क्योंकि अभी समय है तो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ होती है काफी हाई जाती है, तो आप सभी को अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब यहां पे अगर बात करें कि ये नोटिस वगैरह कैसे आप सभी को मिलेगा, तो आप सभी को बता दें कि आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सभी को नोटिस मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप studyfordreams.in पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आप सभी को ये पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोनों की, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वहां पे बेस्ट ऑप्शन है कि वहां पे आप सभी को इसका नोटिस वगैरह जो भी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी मैं आप सभी को बता दूं कि ये ऐसा क्यों है। इससे पहले आप सभी को बता दें कि नोटिफिकेशन के लिए अक्टूबर में एक नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन में यह था कि जो फर्स्ट फेज होता है इसका रिटन एग्जामिनेशन वाला वो आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसके अलावा जो नेक्स्ट फेजेस होते हैं वो नेक्स्ट फेजेस जो होते हैं वो आपके आरपीएफ के द्वारा तैयार यानी कंप्लीट करवाए जाते हैं। अब इसी के बेसिस पे आरपीएफ की तरफ से क्या है कि आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हुआ था, इसमें रिकमेंडेशन की गई थी कि यहाँ पे अगर इसमें कुछ बेहतर सुधार हो सकते हैं वो बताए जाए, जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि जो अब तक प्रोसेस चल रहा है उसी को फॉलो किया जाए, या फिर पूरी तरह से आरपीएफ ही इन सभी फेसेस की जिम्मेदारी ले, यानी कि जो सीबीटी एग्जामिनेशन होता है सीबीटी एग्जामिनेशन को भी अब आरपीएफ करवाना स्टार्ट कर दे। तो इसके बारे में यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। आप सभी को बता दें कि उसकी जो डेट थी वो 16 अक्टूबर 2023 थी, और 16 अक्टूबर 2023 तक उसकी जो ड्राफ्ट था वो तैयार करना था। तो आप सभी को बता दें कि पूरी तरह से सारी चीजें यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं और अब आपकी भर्ती आने को बिल्कुल तैयार है, तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो लास्ट इंटीमेशन नोटिस था वो मैंने आप सभी को बता दिया था, उसकी पूरी जानकारी आप सभी को दे दी थी, लास्ट वीडियो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब समय है सिर्फ और सिर्फ तैयारी का, तो तैयारी में जुटे रहिए, बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।